हमीरपुर जिला में जून माह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा होने के चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी के अनुसार जिला हमीरपुर में जून माह में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अकेले जून माह में ही 117 कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं और ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहरी राज्यों से आए हुए हैं। जिला में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 238 पहुंच चुकी है। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव में भी सर्विलेंस टीम बेहतर काम करते हुए गाँव स्तर पर लोगों की निगरानी रख रही है। उन्होंने बताया कि गाँव में भी होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए गठित कमेटियां पूरी नजर रखे हुए हैं। अगर मैं देखूं डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे पास 117 केसेस जून महीने में ही आ चुके हैं, जबकि बाकी केसेस हमारे रैंडमली पिछले जब जो हमारे और मैक्सिमम लोग वो हैं जो हमारे बाहर के शहरों से आए हैं या बाहर से राज्यों से आए हुए हैं। तो हमारे जिला में हमने एक अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, रादर कोशिश हमारी ये है कि हम सबको जो रेड जोन से आ रहे हैं या हाई लोड से आ रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हाई लोड हमारे सिटीज़ हैं उनको हम सीधा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज रहे हैं, और बाकी के लोगों को जो ऑरेंज और थोड़े से ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले हैं उनको हमारी कोशिश है कि हम होम क्वारंटाइन करें। हमारी सर्विलेंस टीम्स बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं और अप टू विलेज लेवल हमारी कमेटियां गठित हुई हुई हैं। उसमें हमारी जैसे अगर विलेज में, क्योंकि सर्विलेंस स्टार्ट्स विद द विलेज बेसिकली, अगर देखें तो विलेज लेवल पर हमारी आशा वर्कर और जहां आशा नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा आंगनवाड़ी अलोंग विद वार्ड के जो वहां के उस वार्ड मेंबर हैं वो एंड वन पर्सन फ्रॉम रेवेन्यू, ऐसे करके हमारी विलेज लेवल पर एक कमेटियाँ गठित हुई हैं। जैसा ही हमारे विलेज में कोई नया होम क्वारंटाइन हो रहा है तो उसको होम क्वारंटाइन का, होम आइसोलेशन का स्ट्रिक्ट पालन किया जाए, उसके लिए हमारी कमेटियां बहुत ही सक्रिय हैं। अर्चना सोनी ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले परिवारों से केवल एक सदस्य का ही सैंपल लिया जा रहा है और उसके पॉजिटिव आने के बाद बाकी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के 70,000 सैंपल में से सबसे छोटे जिला हमीरपुर में 10,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और आगे भी सैंपल लेने का काम जारी है। फिर नीड के अनुसार जहाँ किस लोड से आया है क्या है, कोशिश तो हमारी ये रह रही है कि हम हर किसी का ही सैंपल उठाएं, बट ऐसा भी कर रहे हैं कि एक परिवार से एक सैंपल उठा लिया। जैसे अब तो परिवारों के परिवार शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो हमारी कोशिश ये भी है कि हम परिवार से एक मेंबर का उठा ले सैंपल ले रहे हैं, उसमें अगर पॉजिटिव आए तो हम उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट लेके उसके परिवार को स्क्रीन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हमारे पास नंबर काफ़ी है और बढ़ भी रहा है, क्योंकि जो हाई लोड सिटी से लोग आ रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रही सैंपल्स की बात, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, छोटा डिस्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली विद लेस ऑफ पॉपुलेशन, 474 की अगर हमारी पॉपुलेशन हम सेंसस के हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से हमने 10,000 से ऊपर सैंपल्स उठा चुके हैं, जबकि स्टेट में 70,000 से के लगभग सैंपल उठे हैं, 71,000 समथिंग सैंपल्स हैं, तो उसमें से 10,000 के आसपास सैंपल जो है वो अकेला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ही उठा चुका है। एवरेज हमारा इट डिपेंड्स, 200 से ऊपर रह रही है फिगर, 200 टू 200 250 270 लाइक अबव 200 है।